हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली वॉक्स। तो अभी हम आ गए हैं ऑफिस से, तो अभी रात का खाना और कल के ऑफिस में जो लंच लेके जाना है, ब्रेकफास्ट लेके जाना है, उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो वही अभी खाना पकाना है और बालकनी में लाइट्स का काम रह गया था तो लाइट्स भी लगाना है। तो आज देखते हैं कि लाइट्स लगता है कि नहीं, क्योंकि अभी ऑलरेडी 8:30 हो गया है। तो अभी खाना बना के खा के कितना टाइम मिलेगा पता नहीं, तो लेट्स सी। ओके, तो अभी यहाँ पर खाने में चावल बन रहा है, ठीक है, निकाल रखे हैं फ्रीज़र से। तो ये सॉसेजेस फ्राई होंगे और यहाँ पे क्या है, ये बनेगा मोर बनेगा। तो ये आज जो खाना बन रहा है वो पूरा साउथ इंडियन केरला स्टाइल फूड है, मतलब केरला स्टाइल या सिर्फ एक मोर ही है। सॉसेजेस में केरला, मतलब वही कड़ी पत्ता वगैरह डालकर फ्राई कर रही हूँ। तो बस यही है। और ये भी कुछ वेजिटेबल्स रखे थे तो ये मैं काट के रख दूँगी अगर हो सकता है तो। अभी तो फिर कल सिर्फ बनाना रह जाएगा। तो मैं जब भी ऐसे मुझे टाइम मिल जाता है, कुछ वेजिटेबल्स होते हैं तो मैं ऐसे ही काट के उनको रख देती हूँ, फिर जब बनाना हो तो सीधा फ्रिज से निकालो। बाकी प्याज व्याज जो भी उसके अलावा काटना पीटना है वो काट के सीधा बनाओ। तो वही, तो अभी ज़्यादा कुछ नहीं बन रहा है, बस चावल, मोर मतलब वो दही का ही बनेगा, कढ़ी टाइप, तो वो और सॉसेज फ्राई, बस इतना ही बन रहा है। तो बाकी अभी मैं थोड़ा सब्जी, करेला वगैरह रखा हुआ है तो वो मैं काट के रख दूँगी ताकि कल बनाना पड़ रहा है तो बनाना इजी हो जाए। तो वही बस। तो अभी मैं यहाँ पर सॉसेजेस मैंने उबालने के लिए डाल दिया है, ये ऑलरेडी पका हुआ होता है बट इसमें एक हल्का सा वो स्मेल होता है जो सभी को पसंद नहीं आता, तो मुझे पसंद नहीं है। तो इसलिए क्या करती हूँ मैं कि मैं हल्दी वाले पानी में इसको थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, 3 से 4 मिनट इसको हल्का सा उबाल देंगे, ठीक है। तो उसके बाद इसको ड्रेन करके फिर बनाएंगे। वैसे ही यहाँ पे चावल ऑलमोस्ट हो रहा है तो ये दोनों पार्ट रेडी हो रहा है। बाकी जो सॉसेज फ्राई में जाएगा वो सब मैंने ऑलरेडी कर दिया है। तो ये जिंजर एंड गार्लिक को मैंने काट के उसको ये किया हुआ है, कूट लिया है। और साथ में मैंने यहाँ पे कुछ करी लीव्स लिए हुए हैं और यहाँ पे ग्रीन चिलीज काट के रख दिया है। तो सिर्फ इतना ही सॉसेज फ्राई में जाता है, इसके अलावा जो जाता है वो मसाले जाते हैं। तो वो मैंने ऑलरेडी सॉसेज फ्राई का वीडियो शेयर किया हुआ है, तो आप मेरे चैनल में आप जाकर आप देख सकते हो। बाकी फिर मैं आगे की तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चावल बना लिया है, ये सॉसेज फ्राई बन गया है और यहाँ पे मोरे वोरे बन गया है। और साथ में मैंने यहाँ पर करेला काट के रख लिया है कल के लिए या आगे के दिनों के लिए। यहाँ पे हम लाइट्स लगा रहे हैं, जो काम बच गया था। तो खाना वाना सब रेडी हो गया है, तो अभी एक काम बचा हुआ है सोने से पहले, तो वही कर रहे हैं हम।
है बस जो कल हमने लाइट्स वगैरह लगाया, बस ऑफिस अगर मतलब ऑफिस के बाद इतना टाइम नहीं मिलता है कि अब बहुत कुछ करें, तो बस इतना ही हम घर को सजा रहे हैं। क्रिसमस ट्री लगा लिया, लाइट और स्टार, बस इतना ही, और कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे हैं। और क्रिसमस भी सैटरडे पड़ रहा है, तो ये मेरा और मेरे हस्बैंड दोनों का, हम दोनों का सैटरडे वर्किंग होता है, तो पता नहीं कैसे क्या कर पाएंगे। तो एनीवे 24 फ्राइडे है, तो देखते हैं उसी दिन कुछ अगर हो सकता है तो कर लेंगे। बस इतना ही है फिलहाल, यही था। तो होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।